अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, क्या आप मेडिकल लाइन में बग़ैर नीट के जाना चाहते हो? इसके लिए बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज़ है और उन तमाम पैरामेडिकल कोर्सेज में से हम एक कोर्स की मालूमात देने जा रहे हैं जिसको स्कोप बहुत है। जी हाँ, वो कोर्स का नाम है रेडियोलॉजी। अब रेडियोलॉजिस्ट अलग होते हैं और रेडियोग्राफर अलग होते हैं, तो आज हम आपको अहम मालूमात देने जा रहे हैं, वो है रेडियोग्राफर की। तो अगर आप रेडियोग्राफर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको कोर्स करना होगा, डिप्लोमा करना होगा और ग्रेजुएशन करना होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि हम एक पेशेंट जो है किसी डॉक्टर के पास जाता है और वो बहुत गंभीर बीमारी में मुब्तला है, तो डॉक्टर कुछ टेस्टिंग के लिए देते हैं उसको। एक तो डॉक्टर उसको सीटी स्कैन के लिए कहेगा, यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, एमआरआई के लिए कहेगा यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के लिए कहेगा, यानी एक्सरे के लिए कहेगा या अल्ट्रासाउंड के लिए कहेगा। ये सब तस्वीर के नाम है और इन तस्वीर की मदद से, इमेज की मदद से डॉक्टरों को बीमारी पहचानने में आसानी जाती है और वो उनको इलाज करने में आसान हो जाता है। तो इसलिए इस टेक्नीशियन की बहुत स्कोप हो चुकी है। अब इन मशीनों को हैंडल करने के लिए, क्योंकि एमआरआई की, एक्सरे की, सीटी स्कैन की और अल्ट्रासाउंड की अलग अलग मशीनें होती हैं और इन मशीनों को हैंडल करने वाला रेडियोग्राफर कहलाता है। तो अब रेडियोग्राफर की तो बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत हो रही है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ओपन किए जा रहे हैं, तो उसके अंदर लैब टेक्नीशियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो आप अगर रेडियोग्राफर बनना चाहते हो तो आपको चाहिए कि आप एक तो कोर्स करें या डिप्लोमा करें या ग्रेजुएशन करें। कोर्स 6 महीने से 1 साल का होता है, जो 10वीं के बाद भी कर सकते हैं जो रेडियोग्राफर के अंडर में काम करता है कोर्स करने वाला। डिप्लोमा जो है वो 2 साल का होता है। 12वीं के बाद साइंस से, फिजिक केमिस्ट्री बायोलॉजी से अगर 12वीं 50% के साथ पास होते हो, उसके ऊपर पास होते हो, तो आप डिप्लोमा कर सकते हो रेडियोलॉजी में। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो बीएससी इन रेडियोलॉजी में आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो बीएससी इन रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी अलग है और रेडियोलॉजिस्ट अलग है। रेडियोलॉजिस्ट जो होता है वो डॉक्टर होता है, रेडियोग्राफर डॉक्टर नहीं होता। रेडियोलॉजिस्ट के लिए नीट और MBBS और MD करना ज़रूरी होता है, तब जाकर वो रेडियोलॉजिस्ट बनता है और वो बीमारी की तशखीस करता है। रेडियोग्राफर का काम है सिर्फ मशीनों के ज़रिए से तस्वीर को निकाल लेना। तो इस पेशे को बहुत ज़्यादा स्कोप है। और तो अगर आप कोर्स करते हो 6 से 1 साल का कोर्स, तो आपको 10 से 15 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिल जाती है। अगर आप डिप्लोमा करते हो तो 20 से 25 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल जाती है। अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, बीएससी इन रेडियोलॉजी करते हो, तो आपको 30 से 40 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल सकती है। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, और अगर बड़ा हॉस्पिटल में आपको जॉब मिलती है तो ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, छोटे हॉस्पिटल में आपको जॉब मिलती है तो कम तनख्वाह मिलेगी। इसी तरह से इन रेडियोग्राफर को आर्मी में भी जॉब मिलती है, रेलवे में भी जॉब मिलती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी जॉब मिलती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जॉब मिलती है और प्रोवाइड भी कर सकते हैं। बड़े बड़े प्रोवाइड हॉस्पिटल्स भी इसके लिए जॉब के लिए बुलाते हैं और बड़ी बड़ी फीस, आपको बड़ी बड़ी तनख्वाह ऑफर करते हैं। आप अपना खुद का प्राइवेट लैब भी खोल सकते हैं, इसके लिए आपको बीएससी इन रेडियोलॉजी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो है ना काम की बात। तो जो रेडियोग्राफर होते हैं वो सिर्फ इन मशीनों को हैंडल करने के लिए होते हैं और उससे तस्वीर निकालने के लिए होते हैं। इसका स्कोप बहुत है। और इसकी एक ख़ास बात क्या है, ये लड़कियों के लिए तो बहुत ही ख़ास बात है। अगर आप रेडियोलॉजी में अगर ग्रेजुएशन हासिल करते हो तो बहुत सारी ख्वातीन मर्दों के पास में अपनी जो तस्वीर निकालने के लिए शर्म महसूस करती हैं। अगर औरतें हो तो आपको तो बहुत ज़्यादा स्कोप मिल सकता है। और ये सेफ और साउंड प्रोफेशन है, इसमें आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ में भी रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। AC में बैठो, मस्त अपना काम करो, तस्वीर निकालो और बैठे रहो, ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती, ज़्यादा कमोशन भी नहीं रहता, कीप एंड साइलेंस माहौल रहता है, पीसफुल माहौल रहता है, टेंशन वाला माहौल नहीं रहता एकदम। तो आपका काम है सिर्फ तस्वीर निकाल कर दे देने का। तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छी बात है और
जैसे कि सोनोग्राफी में आप अल्ट्रासाउंड मशीन के ज़रिए सोनोग्राफी करते हैं, तो बहुत सारी ख्वातीन मर्दों के पास सोनोग्राफी नहीं करवाती है। तो आप अगर रेडियोलॉजी, आप बीएससी इन रेडियोलॉजी का कोर्स करते हो तो ख्वातीन आपके पास आएंगी सोनोग्राफी करने के लिए, तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से सोनोग्राफी हासिल करते हैं। तो लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा कोर्स है, मेरी नज़र में लड़कियों ने तो करना ही चाहिए। ये जो दीगर पेशे में जा रही हैं बच्चियाँ, तो उन्होंने अगर उनका नीट में नंबर नहीं लगता है तो बीएससी इन रेडियोलॉजी उनके लिए बहुत सही ऑप्शन है। अब इसके कॉलेजेस अलग अलग जगह पर हैं, तो मैं आपको कॉलेजेस कहाँ कहाँ हैं मैं बता देता हूँ। एम्स इन न्यू दिल्ली में आप इस कोर्स को कर सकते हो, सर्टिफिकेट कोर्स भी है, डिप्लोमा कोर्स भी है और ग्रेजुएशन भी है रेडियोलॉजी में। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। आर्म फोर्सेड मेडिकल कॉलेज पूना में आप ये कोर्स कर सकते हैं। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज पांडिचेरी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। इसके लिए मैं आपको लिस्ट भी दे सकता हूँ, या आप खुद गूगल सर्च कर सकते हैं कि रेडियोलॉजी का कोर्स कहाँ का कर सकते हैं। हाँ, एक बात ख्याल रखिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET देना पड़ता है। अब ये CUET क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इससे पहले मैंने इस पर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप कम खर्च में अगर करना चाहते हैं तो आपको CUET देना पड़ता है। अपने मुस्लिम बच्चे CUET में अपेयर नहीं होते, इसलिए ये देना ज़रूरी है। कब इसका काम पड़ जाए, कब गवर्नमेंट कॉलेज में हमको हासिल हो जाए एडमिशन लेना, तो CUET के ज़रिए से अगर आपको एडमिशन होता है तो आपको 10-15 हज़ार रुपये में आपका कोर्स BSc इन रेडियोलॉजी हो जाता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में इसकी 40 हज़ार, 50 हज़ार या 1.5 लाख रुपये तक इसकी फ़ीस है सालाना, हॉस्टल फीस के साथ, या 1 से 1.5 लाख रुपये तक, या 40 हज़ार रुपये कॉलेज देखकर है। इसकी 40 हज़ार से 1.5 लाख रुपये तक फ़ीस है हॉस्टल के साथ में। इन बड़े प्राइवेट कॉलेज में आपको CUET देना ज़रूरी नहीं होता है। आप वो कॉलेजेस में जाकर फॉर्म भी भर सकते हैं और नॉमिनल आपका एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं और उनको लेना ही रहता है, आपका एडमिशन हो जाएगा फीस देकर। तो ये थी सारी मालूमात रेडियोग्राफर की। ये वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में हम आपको मालूमात देने जा रहे हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।